गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर एट नाउ आई नो पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फोर टू वन हंड्रेड एंड एट नाओ आई नो माइक वाई आर यू सिटिंग हेयर अलोन माइक तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो दूस बॉयज सेट आई कैन नॉट सिट विद वो बॉयज ने बोला है कि मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता दैट इज रॉन्ग दे कैन नॉट बुल यू ये तो गलत है वो तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकते आई वुश आई विश दे कुड अंडरस्टैंड हाउ हाउ ऑफ फुल इट फील्स टू बी बुल्ड कितना बुरा लगता है जब आपको कोई ऐसे बुल्ब परेशान करता है या आपको कोई मना कर देता है तो एज सुन एज द बेल रैंक एवरी वन रश टू द डोर जैसे ही घंटी बजी बेल रिंग हुई सब लोग डोर की तरफ भागे मूव अवे शॉटली आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट रुद्रा सेड रूडली टू धीरज मूव अवे शॉटी आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट रुद्रा ने चिल्लाते हुए धीरज को बोला मूव अवे जल्दी से यहाँ से हटो शोटी मुझे लेट नहीं होना धीरज मूव्ड आउट ऑफ द वे और धीरज वहाँ से हट गया ही हंग हिज हैड सैडली और वो सिर हिलाता हुआ अपना साइड में हट गया नो बडी लाइक द वे रुद्र टू धीरज किसी को पसंद नहीं आया जैसे रुद्र ने धीरज से बात की बट रुद्रा वॉज सो टॉल एंड स्ट्रोंग दैट एवरी वन वॉज़ अ फ्रेड टू हिम ऑफ हिम बट रुद्रा जो था वो इतना लम्बा वो बहुत लंबा और इस्ट्रॉन्ग था ताकतवर था कि सब उससे डरते थे अ लिटल वाइल्ड लेटर कुछ टाइम बाद धीरज वेंट टू द लाइब्रेरी एंड सेट ऑन अ चेयर टू रीड हिज बुक धीरज लाइब्रेरी गया और अपनी चेयर पे बैठ गया बुक पढ़ने के लिए एंड हु गेव यू परमिशन टू सिट हीयर लाउड वॉइस बूम्ड एक लाउड सी आवाज़ आई कि हो गिव यू द परमीशन टू सिट हेयर तुम्हें किसने इजाज़त दी इधर बैठने के लिए धीरज अप धीरज ने ऊपर फेस करते हुए देखा रुद्र वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम और रुद्र उसके सामने ही उसके पास में ही खड़ा हुआ था ओ सिट इन दैट कॉर्नर रुद्रा said. रुद्रा ने बोला कि वहां जाके कॉर्नर पे कोने पे जाके बैठ जाओ पुशिंग धीरज रगली इन द बैक धीरज को पुश करते हुए पीछे से हल्का सा धक्का देते हुए उसने बोला की वहां जाके कॉर्नर पे बैठ जाओ धीरज फेल्ट फेल्टफुल उसे बहुत बुरा लगा बट ही डिड नॉट से एनी थिंग बट उसने कुछ भी नहीं बोला ही सिंपली मूव टू द कॉर्नर चेयर एंड स्टार्टेड टू रीड हिज बुक वो सिंपली कॉर्नर वाली चेयर पे चला गया और अपनी बुक पढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया रुद्रा अ लॉट ऑफ फ्रेंड इन स्कूल रुद्रा के बहुत सारे फ्रेंड थे स्कूल में एंड ही वॉज प्राउड ऑफ इट और उसे बहुत गर्व होता था उन सब पे ही वॉज नॉट जस्ट रूड विद धीरज वो सिर्फ धीरज से ही रूड नहीं था धीरज से ही रूडली बात नहीं करता था ही बिहेव द सेम वे विद एवरी वन वो हर किसी से ऐसे ही बिहेव करता था ही थ्रू गारबेज ऑफ द यार्ड इन द्ड ऑफ इज नेबर वो अपने पड़ोसियों के घर में गार्बेज डाल देता था मिसिस शर्मा शर्मा जो उसके नेबर थे उसके घर में भी वो ऐसे ही कूड़ा डाल देता था ही अनलिज मिस्टर अयर्स डॉग और वो मिस्टर अयर के डॉग को भी परेशान करता था ही नेवर लिसन टू हिज टीचर वो कभी भी रुद्रा जो था वो कभी भी रुद्र अपने टीचर को नहीं सुनता था ही वॉज फेमस इन स्कूल एंड इन नेबरहुड बट नॉट इन अ गुड वे वो बहुत फेमस था अपने स्कूल में भी और नेबरहुड आस पड़ोस में अपने पड़ोस में और इस्कूल इस में भी बहुत फेमस था बट अच्छे वे से नहीं बट नॉट इन अ गुड वे मतलब एक अच्छे तरीके से नहीं वेन हिज पेरेंट्स ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स टू दे हिम ही कुड स्क्रीम एंड क्राई के पेरेंट्स उसको कुछ समझाते थे तो वो डर के रोने की एक्टिंग करता था वन डे ही वॉज वंडरिंग इन द नेबरहुड स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड वेंडरिंग इन द नेबरहुड स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड एक दिन वो वेंडरिंग मतलब भटक रहा था इधर उधर अपने पड़ोस में पड़ोस की मतलब अपनी कॉलोनी में इधर उधर अपने दोस्तों के साथ भटक रहा था शेमी एंड हैरी वेन ही सॉ दैट द डोर टू मिस्टर अयर्स लैब वॉज ओपन जब सैमी शेमी और हैरी ने देखा कि मिस्टर अयर जो है उनकी लैब का डोर जो है वो खुला हुआ है मिस्टर अयर वॉज़ साइंटिस्ट और मिस्टर अयर जो थे वो साइंटिस्ट थे जो चीज़ों का आविष्कार करते हैं एक साइंटिस्ट थे एंड कैरिट आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन हिस्स लैब और वो अपनी लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते थे रुद्र पिप्ड इनसाइड बट देयर वाज नोबडी इन रुद्र उनकी लैब में घुस गया पर उनकी लैब में कोई भी नहीं था विद इन अ सेकंड रुद्र वाज इनसाइड द लैब रुद्र कम आउट इट्स स्ट्रेंज रस इन देयर कुछ टाइम बाद रुद्र लैब के अंदर आ गया और सेमी ने बोला सेमी सेड इन अ लो वॉइस सेमी ने थोड़ा धीरे बोला कि रुद्र बाहर आ जाओ वहाँ अंदर खतरा है रुद्रा डिड नॉट लिसन टू हिम रुद्रा ने उसकी बात नहीं सुनी ही स्टार्टेड टू लुक अराउंड द लैब और वो लैब को देखने लगा रुद्रा लैब को देखने लगा सेमी शेमी एंड हैरी वेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट और शेमी हैरी बाहर उसका वेट करते रहे देन दे फॉलोड रुद्र इन साइड और वो भी फिर रुद्र के पीछे लैब में चले गए सडनली रुद्र सॉ सम ऑरेंज कलर्ड लिक्विड इन अ बीकर बीकर होता है जो लैब में होता है रुद्र ने सडनली देखा कि एक ऑरेंज कलर का लिक्विड है बीकर में ओ दैट्स लुक्स लाइक अ नाइस सॉफ्ट ड्रिंक और रुद्र ने बोला रुद्र थोट, रुद्रा थ्रा के मन में आया कि ये तो बहुत अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक लग रही है आई एम थ्रस्टी मैं बहुत आई एम थ्रस्टी मैं बहुत प्यासा हूँ सो आई विल ड्रिंक इट मैं इस ड्रिंक को पी लेता हूँ द बीकर एंड ड्रिंक इट कंटेंस और उसने वो बीकर उठाया और वो पीना शुरू किया याक। That was disgusting. और जैसे ही उसने पिया वो बोला छी ये कितना गंदा है ही सेट टू सैमी एंड हैरी उसने सैमी और शेमी और हैरी को बोला ये कितना गंदा है ही वाइप्ड हिज माउथ विद हिज स्लीव्स और जब उसने पिया उसने बोला यक ये तो कितना गंदा है और उसने अपनी स्लीव्स के साथ अपने माउथ को वाइप साफ़ किया दैट वॉज नॉट अ कोल्ड ड्रिंक ये तो कोल्ड ड्रिंक नहीं है माई थोट हर्ट्स ही कंप्लेन उसने बोला कि मेरा मुँह का टेस्ट ख़राब हो गया यह तो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है दैट्स गुड नाओ इट फूल हैज़ ड्रिंक सम स्ट्रेंज समथिंग स्ट्रेंज शेमी ने बोला दैट्स गुड ये तो अच्छी चीज़ है नाव दिस फूल हैज़ ड्रिंक समथिंग स्ट्रेंज और शेमी ने बोला तुमने ये गंदी सी चीज़ ड्रेंग कर ली पी ली आई टोल्ड हिम नॉट टू गो इन साइड और मैंने तुम्हें बोला था कि अंदर मत चलो नाव ही विल आस्क अस टू ब्रिंक वाटर टू हिम एज इफ वी आर हीज स्लेव्स और वो हमसे बोलेगा पानी लेके आऊँ उसके लिए जैसे हम उसके स्लेव मीन्स उसके नौकर हों से ने हैरी से बोला ये चीज़ रुद्र वॉज शॉक्ड टू तो हेयर दिस बिकॉज बोथ सेमी एंड हैरी हैड देयर माउथ शट रुद्रा बहुत शॉक्ड हो गया ये चीज़ सुन के क्योंकि शेमी और हैरी के माउथ दोनों के बंद थे दे वर नॉट टॉकिंग बट ही वॉज श्योर दैट ही हैड हर्ट शेमीज़ वॉयस क्योंकि वो लोग नहीं बोल रहे थे बट उसे लगा कि यह शेमी की आवाज़ थी शेमी हाउ डेयर यू कॉल मी अ फूल ही शाउटिट रुद्र चिल्लाते हुए बोला शमी तुमने मुझे कैसे फूल फूल मीन्स पागल तुमने मुझे कैसे फूल बोला आई डिड नॉट कॉल यू फूल रुद्र शमी रिप्लाइड शैमी ने बोला मैंने तुम्हें फूल नहीं बोला रुद्र आई डिड नॉट इवन ओपन माई माउथ आई डिड नॉट इवन ओपन माई माउथ मैंने तो अपना माउथ भी नहीं खोला डिड आई दैट आउट लाउड क्या मैंने ज़ोर से बोला था ये चीज़ हाउ डिड ही न्यू दैट वॉट आई वॉज थिंकिंग मुझे कैसे पता कि तुम क्या सोच रहे हो इट वॉज शेमीज वॉयस अगेन ये भी शेमी ने बोला कि मुझे क्या पता वॉट आर यू थिंकिंग कि तुम क्या सोच रहे हो ये भी शेमी की वॉयस थी बट हिज़ माउथ वॉज अगेन शट रुद्र वॉज शाउटेड रुद्र चिल्लाया कि ये तो शेमी की आवाज़ है पर उसका माउथ तो अभी भी बंद है ही 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 बोथ रुद्रा एंड शेमी आर फूल्स हंसते हुए वो बोला रुद्र और शमी दोनों फूल हैं दे जस्ट कीप ऑन फाइटिंग नॉर्मली वो दोनों फाइटिंग कर रहे थे लड़ रहे थे नॉर्मली आई विल नेवर आई डिड नेवर नेवर हैव बीन फ्रेंड्स विद आइदर ऑफ देम शुक्र है मैं इनका किसी का भी फ्रेंड नहीं हूँ इट्स जस्ट स्टार्ट आई एम स्कर्ड ऑफ रुद्र ये इसीलिए है क्योंकि मैं रुद्र से डरता एंड शमी हेल्प्स मी विद माई होमवर्क और शेमी मेरी होमवर्क में मदद करेगा दिस टाइम इट वॉज़ हैरीज वॉइस इस बार ये हैरी की आवाज़ थी बट हिज माउथ वॉज ऑल्सो क्लोज्ड बट हैरी का भी जो माउथ था वो भी बंद था रुद्रा स्टियड एट सेमी एट हैरी रुद्रा हैरी और सेमी दोनों को देखा उसने स्टियड मतलब उसको घूरते हुए देखा आई कैन हेयर वॉट दे आर थिंकिंग हीट और रुदरा ने सोचा कि जो ये सोच रहे हैं मैं जानता हूँ ये क्या सोच रहे हैं दैट इज ग्रेट नाउ आई विल नो वॉट पीपल रियली थिंक ऑफ मी दैट इज ग्रेट ये बहुत अच्छा है कि मुझे पता चल गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं आई विल टेक केयर ऑफ दीज फूल्स लेटर मैं इन दोनों को बाद में बताऊंगा ही थाट एंड वर्कड आउट ऑफ द लैब ये सोचते हुए वो लैब से निकल गया ऑन हिज वे बैक होम ही सॉ मिसेस शर्मा लेट सी वॉट शी थिंक ऑफ मी ही थाट जैसे ही वो अपने घर के रास्ते से वापस आ रहा था ही सॉ मिसेस शर्मा उसने मिसेस शर्मा को देखा और उसने मन में सोचा चलो अब इनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं ये मेरे बारे में क्या सोचती हैं। हेलो मिसेस शर्मा ही सेट हेलो रुद्र उसने बोला हेलो मिसेस शर्मा मिसेस शर्मा ने बोला हेलो रुद्र मिसेस शर्मा रिप्लाइड विद अ स्माइल मिसेस शर्मा ने हंसते हुए बोला दिस नॉटी ई बॉय हूँ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट हिज पेरेंट्स टीच हिम ये नॉटी बॉय है मुझे नहीं समझ आता कि उसके पेरेंट इसको क्या समझाते हैं ही क्रिएट्स ट्रबल वेन एवर ही गोज़ ये हमेशा परेशानी ही लाता है सबके लिए जहाँ भी जाता है आई वंडर वाई ही इज़ ग्रीटिंग मी टुडे मैं यही सोच रही हूँ आज मुझे कैसे रुद्र ने ग्रीट किया मींस हेलो किया रुद्र वॉज शॉक टू रियलाइज़ दैट बिकॉज ऑफ हिज़ मिसबिहेवियर पीपल थॉट पुअरली ऑफ हिज़ पेरेंट्स टू रुद्र को शॉक्ड हुआ वो बहुत बहुत चक्का रह गया ये सोच के कि उसके मिसबिहेवियर से उसके गलत बर्ताव से सब लोग उसके पेरेंट्स को भी बोलते हैं दिस मेडियम साड और ये चीज़ उसके उसको बहुत दुखी की वैन ही गॉट होम जैसे ही वो घर पहुँचा रुद्र सॉ दैट हिज पेरेंट्स वॉर टॉकिंग टू इच अदर उसने देखा कि उसके पेरेंट्स मम्मी पापा एक दूसरे से बात कर रहे थे ही ग्रीटेड दैम एंड सेट नेक्स्ट टू हिज पेरेंट नेक्स्ट टू हिज फादर ऑन सोफा उसने ग्रीट किया उनको हेलो बोला और अपने फादर के पास में आके बैठ गया माई डियर लिटिल बॉय इफ ओनली ही कुड अंडरस्टैंड दैट बींग रूड टू पीपल इज़ नॉट अ गुड थिंग आई लव हिम सो मच आई कुड बी सो प्राउड ऑफ हिम इफ़ ही स्टार्ट टू रिस्पेक्ट अदर्स पीपल्स इमोशनल एज वेल माई डियर लिटिल बॉय मेरे छोटे बच्चे इफ ओनली ही कुड अंडरस्टैंड अगर ये समझ जाए कि क्या की बींग रूड टू पीपल इज़ नॉट अ गुड थिंग कि किसी से रूडली बात करना अच्छी चीज़ नहीं होती आई लव हिम सो मच तो मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा आई वुड बी सो प्राउड मुझे इस पर गर्व होगा अगर ये हर किसी इमोशंस की हर किसी के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना सीख जाए और किसी को भी परेशान ना करे अ टीयर रोल डाउन रुद्रास चिक और ए आंसू रुद्रा के चिक से निकले he was upset that his action made his parents feel so sad. उसको बहुत रुद्र बहुत upset हुआ बहुत निराश हुआ ये देखते हुए कि उसकी वजह से उसके actions, उसकी मस्ती की वजह से उसके पेरेंट भी बहुत दुखी हैं ही हग्ड हिज़ फादर विदाउट सेंग एनी एंड वेंट टू हिज़ रूम उसने अपने पापा को गले लगाया कुछ भी ना बोला और वो अपने रूम में चला गया एट नाइट ही कुड नॉट स्लीप और उस नाइट को वो सो नहीं पाया ही कैप थिंकिंग अबाउट ऑल द पीपल ही हैड अनॉइट मीन्स परेशान किया वो उन लोगों के बारे में सोचता रहा जिसको उसने परेशान किया ही वॉज थिंकिंग इन पर्टिकुलर अबाउट धीरज और वह धीरज के बारे में भी सोचा क्योंकि उसने धीरज को भी बहुत परेशान किया था नक्स्ट मॉर्निंग एज़ ही गोट ऑन टू द स्कूल बस

कि ये कैसे बेस्ट सीट को लेता है क्या ये कभी दूसरे लोगों का भी सोचेगा दूसरे बच्चों का भी सोचेगा रुद्र द रूट बॉय और रुद्र को सबने बोला कि ये तो बहुत रूट बॉय है आई होप ही डज नॉट सेट नियर मी मुझे लगता है कि ये मेरे पास में ना बैठे दीज वर द वॉइस ऑफ हिज ओन क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स और ये आवाज़ जो थी वो उसी की क्लासमेट्स उसके ही क्लास के बच्चों की और उसके फ्रेंड्स की थी ही ऑलरेडी न्यू दैट उसको ये पहले से ही पता था ही हैड फ्रेंड्स ओनली बिकॉज चिल्ड्रन वन अ फ्रेंड ऑफ हिम उसको ये पहले से ही पता था कि उसके फ्रेंड इसीलिए हैं क्योंकि वो सब उससे डरते हैं एंड नॉट बिकॉज दे लाइकड हिम इसलिए नहीं है कि वो उसे पसंद करते हैं ही क्वाइटली सेट इन दैकें नेक्स्ट टू अ बॉय नेम्ड अमन वो अमन के पास में जो सीट खाली थी वहाँ पर आके बैठ गया शांति से ही कुड हेयर अमन थाट उसने अमन का भी थाट सुना डज़ ही वॉन्ट टू मेक फन ऑफ मी अगेन जस्ट लाइक ही डिड द अदर डे अमन के मन में आया अमन ही कुड हेयर और उसको सुनाई दिया कि अमन ने बोला है क्या ये मेरा भी फ़न करेगा मेरा भी मज़ाक बनाएगा जैसे ये सबका बनाता है वेन आई वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ ग्रैंड माँ वॉज इल जब मैं मेरी ग्रैंड माँ बीमार थी मैं रो रहा था जब इसने मेरा मजाक बनाया था वैसे ही आज भी मेरा मजाक बनाएगा रुद्रा फेल्ट हिज लिप ट्रम्बल रुद्रा ने फील किया कि उसके लिप जो थे लिप्स वो काँप रहे थे बिकॉज सब उससे डरते थे ही हैड मेड फन ऑफ अमन वेन ही वॉज क्राइंग और जब अमन रोया था जब उसकी ग्रैंड माँ बीमार थी तब रुद्र ने उसका बहुत मज़ाक बनाया था बट ही हैड नॉट नो वाई ही वॉज क्राइंग दैट डे पर उसको ये नहीं पता था कि वो क्यों रो रहा था उस दिन आई एम सॉरी अमन फॉर ऑल द टाइम्स आई लव डेट यू प्लीज़ गिव फॉर गिव मी ही अपोलोजाइज मीन्स रुद्र ने सॉरी बोला अमन को बोला सॉरी जब भी मैंने तुम्हें परेशान किया हो या मैं तुम पे हंसा हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दैट्स ऑल राइट रुद्र सेट अमन इन सरप्राइज और अमन ने बोला दैट्स ऑल राइट इट्स ओके रुद्र वेन रुद्रा गोट टू स्कूल रुद्रा जैसे ही स्कूल पहुँचा ही ग्रेट हिज क्लास टीचर गुड मॉर्निंग मैम उसने अपनी क्लास टीचर को गुड मॉर्निंग बोला ही सेट पोलाइटली और उसने बहुत शांति से पोलाइटली प्यार से बोला गुड मॉर्निंग मैम देर वॉज अ स्माइल ऑन हिज टीचर्स फेस और उसने देखा कि उसकी टीचर के भी फेस पे स्माइल थी और उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग शी रिप्लाइड और उन्होंने बोला वॉट हैज़ हैपन टू रुद्र शी थाट और उन्होंने सोचा आज रुद्र को क्या हुआ इज दज द सेम बॉय दैट इज़ ऑलवेज स्क्रिमिंग एंड शाउटिंग क्या ये वही बॉय है जो हमेशा लड़ता और चिल्लाता रहता है आई विश दैट ही कुड ऑलवेज़ बिहेव इन सच अ पोलाइटनेस और उसकी क्लास टीचर ने बोला कि मैं आशा करती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही पोलाइटनेस ऐसे ही प्यार से बात करे सबसे और सबको ग्रीट करे रुद्र रियलाइज विद अशोक दैट इवन हिज टीचर्स डिड नॉट लाइक द वे ही हैड बीन बिहेविंग रुद्र को देख के बहुत निराश हुआ कि उसकी इवन टीचर भी उसको लाइक नहीं करती पसंद नहीं करती थी उसके बिहेवियर देखते हुए हाय रुद्र रुद्र टाउंड इट वॉज शेमी रुद्र रुद्र ने अपना फेस टर्न किया तो देखा तो वो शेमी था लुक एट दिस फूल आई वंडर हाउ ही इज गोइंग टू अनोय एवरी वन टूडे ही लुक्स फनी वेन ही स्माइल्स रुद्र हर्ड एवरी थिंग दैट शेमी वॉज थिंकिंग शेमी जो सोच रहा था कि इस पागल को देखो आई वंडर हाउ ही इज गोइंग टू अनोय एवरी वन टूडे आज कैसे ये सबको परेशान करता है कैसे सब पे हंसता है यस शमी आई नो आई एम फनी ही रिप्लाइड रुद्र ने बोला यश शमी मुझे पता है मैं कितना फनी हूँ शमी वॉज पजल्ट शमी भौचक्का होके बोलता है हाउ हाउ कैसे ही स्टार्टेड टू से बट बिफोर ही कुड कम्प्लीट हे सेंटेंस रुद्र वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू धीरज जैसे ही शमी कुछ सेंटेंस बोल पाता वैसे ही रुद्र धीरज के पास में आके खड़ा हो गया और बोला एम आई सिटिंग ऑन रुद्रा सीट वाई इज़ ही लुकिंग एट मी धीरज ने बोला कि क्या मैं रुद्रा की सीट पर बैठ गया हूँ ये मुझे क्यों देख रहा है आई हेट एट वेन ही बुल्स मी मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो मुझे परेशान करता है धीरज थाट धीरज ने सोचा आई एम सॉरी धीरज दैट वॉज सो हॉरेबल टू यू धीरज ने रोद्र ने बोला आई एम सॉरी धीरज मुझे माफ़ कर दो धीरज मैं कितना हॉरेबल हूँ मैं कितना गंदा हूँ आई हैव लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स पीपल्स फीलिंग मैंने कभी नहीं सीखा कि कैसे लोगों की और लोगों की और लोगों की फीलिंग के साथ में रिस्पेक्ट करनी चाहिए नहीं आता था डू यू वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे आई ड्रीमिंग धीरज थॉट धीरज ने सोचा क्या मैं सपना देख रहा हूँ आई एम सो हैप्पी दैट रुद्र अपलोजाइज्ड कि रुद्र ने मेरे से माफ़ी मांगी धीरज ने बोला मैं कितना खुश हूँ वी कैन बी फ्रेंड्स हम दोस्त बन सकते हैं इवन बिफोर धीरज कुछ से एनी थिंग रुद्र हक धीरज एंड सेट हिम धीरज कुछ बोल पाता तभी रुद्र ने उसको हक कर लिया गले से लगा लिया और उसके पास आके बैठ गया रुद्र टोल धीरज द ट्रुथ अबाउट द लिक्विड और रुद्र ने उसको सच बताया धीरज को जो लिक्विड का सच था वो ऑल डे ही कैप टेलिंग धीरज वॉज हिज क्लासमेट्स वर थिंकिंग अबाउट एवरी वन एंड बोथ ऑफ दैम लाफ टुगेदर और वो पूरे दिन धीरज ने बताया रुद्र को कि कैसे सब उसके बारे में बातें करते थे और वो दोनों हंसते रहे द लिक्विड साइंटिफिक इफेक्ट्स लास्टेड ओनली फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स हाउ एवर इट्स इमोशनल इफेक्ट लास्टेड अ लाइफ टाइम जो लिक्विड था उसका साइंटिफिक इफेक्ट जो था सिर्फ ट्वेंटी फोर आवर्स तक था ट्वेंटी फोर घंटों तक ही था बट वो उसका इमोशनली इफेक्ट जो था वो लाइफ टाइम तक था I hope you understood this chapter. Thank you very much. Have a nice day.